हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर यासिर फ्रॉम डीसीडीसी किडनी केयर। हमारा आज का टॉपिक है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना है कि किडनी का नॉर्मल फंक्शन क्या होता है। जैसे कि आप सबको पता है कि किडनी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है एरिथ्रोपोइटिन का प्रोडक्शन। सो, अगर हमारी किडनी जब काम नहीं कर रही होती है, जब पेशेंट सीकेडी में आ जाता है, तो वो एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनाता है। जबकि वो एरिथ्रोपोइटिन नहीं बनाता है तो आरबीसी का प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो इसके लिए हमारे पास अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो हम सीकेडी के पेशेंट्स को दे सकते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है एरिथ्रोपोइटिन का इंजेक्शन। उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन है इंजेक्शन आयरन का। और अगर इन सब चीज़ों से हमें मदद नहीं मिलती है और पेशेंट का एच बी मेंटेन नहीं होता है, तो फिर हम जाते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए। अब कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस जो हमें याद रखनी है जब भी हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करने के लिए हम सोचते हैं पेशेंट के लिए। सबसे पहले हमारे पास नेफ्रोलॉजिस्ट का या डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए, जिसमें प्रिस्क्राइब होता है कि हाँ, ब्लड पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत है। उसके बाद जब भी हम पेशेंट का ब्लड फॉर्म भरते हैं तो उसमें हमें पेशेंट का नाम, उसकी एज, उसका सेक्स, उसकी पूरी डायग्नोस और कौन सा ब्लड कंपोनेंट हम चढ़ाना चाहते हैं, यूजुअली हम पीआरबीसी को सजेस्ट करते हैं, और पेशेंट का यूएचआईडी, ब्लड ग्रुप, आज की डेट जिस डेट पे हम फॉर्म भर रहे हैं, डॉक्टर का नाम और डॉक्टर की स्टैम्प बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ साथ हम पेशेंट का ब्लड सैंपल भी निकालते हैं जो हमें ब्लड बैंक को देना पड़ता है। दैट शुड बी फ्रेश ब्लड सैंपल। दो वाइल में हम निकालते हैं, एक EDTA में और एक प्लेन में। इन सीकेडी पेशेंट्स हम लोग हमेशा प्रेफर करते हैं कि पीआरबीसी का ही यूज़ करें ब्लड कंपोनेंट का। और इसके साथ याद रखिए कि आपका जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन का गोल है उसके अंदर आपको 150 टू 250 ml ऐड करना होता है। होल ब्लड को ना करें, क्योंकि अगर हम होल ब्लड को करते हैं ट्रांसफ्यूजन तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क रहते हैं, जैसे कि हाइपरकैलेमिया और फ्लूड ओवरलोड। अब जब ब्लड हमारे पास यूनिट में आ जाता है तो हम किस तरह उस ब्लड को ट्रांसफ्यूजन को स्टार्ट करते हैं, कुछ उसके पॉइंट्स हैं जो हमें हमेशा याद रहने चाहिए। सबसे पहले हमें पेशेंट का कंसेंट लेना है, जिसमें एक अलग से कंसेंट लेते हैं डायलिसिस कंसेंट के अलावा, दैट इज ब्लड कंसेंट। उसके बाद जब भी हमारे पास ब्लड पेशेंट लेके आ जाता है तो उसको हम क्रॉस चेक करते हैं। एक टेक्नीशियन उसको क्रॉस चेक करता है, उसके बाद एक फिजिशियन भी हमारा या DMO उसको चेक करते हैं। जो बैंक की रिसिप्ट मिलती है उसमें हमें क्या क्या देखना बहुत ज़रूरी होता है, पेशेंट का नाम, उसकी एक्सपायरी डेट, जो ब्लड की एक्सपायरी डेट है उसको देखना बहुत ज़रूरी होता है, और कब वो ब्लड इशू करा गया है उसको बहुत देखना ज़रूरी होता है, और पेशेंट की सारी आइडेंटिफिकेशन भी हम उसको दोबारा से वेरीफाई करते हैं। अब समय आ गया है कि हम पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करें। तो यूजुअली जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं पेशेंट का, वो ड्यूरिंग डायलिसिस ही करते हैं। तो डायलिसिस शुरू करने के बाद हम पेशेंट का ब्लड कनेक्ट कर देते हैं। उसको जो कनेक्ट करने के बाद जो रेट होता है वो होना चाहिए 5 से 10 ml/min। उसके बाद हम ब्लड को कुछ देर के लिए स्टॉप कर सकते हैं। जब हम उसको ब्लड को स्टॉप करेंगे उसके बाद हमें देखना है कि पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रही है। अगर पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो रही है, 10 से 15 मिनट तक कोई एडवर्स रिएक्शन नहीं हो रहे हैं, तो फिर हम उसी सेम रेट से ब्लड को स्टार्ट कर देते हैं। और जितनी देर भी हमारा ब्लड चढ़ रहा है और पूरे प्रोसीजर के दौरान हम कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर होती है तो उसको भी हमें देखते रहना है। हमें ये नहीं देखना कि अगर शुरू में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई है तो बाद में भी कॉम्प्लिकेशन नहीं हो सकती है। अगर ब्लड चढ़ाने जब के दौरान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान आपको कोई भी लगता है कि पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन हो रही है, तो सबसे पहले हम उसे ब्लड को स्टॉप करेंगे। और जो भी हमारे डायलिसिस मेडिकल ऑफिसर हैं या फिजिशियन या नेफ्रोलॉजिस्ट वहाँ पे मौजूद हैं सेंटर पे, उनको हम रिपोर्ट करेंगे और एक इंजेक्शन एविल 2 ml IV स्ट्रेट दे सकते हैं और इंजेक्शन एफकोलिन IV स्ट्रेट दे सकते हैं। अब हम याद करेंगे कि हमारा टेक होम मैसेज क्या है, जिन पॉइंट्स को हमें हमेशा याद करना है। जब भी हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो कभी भी हमें पेशेंट के कहने से या हमारे लगने से हमको कभी ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं शुरू करना है। हमेशा अपने फिजिशियन या नेफ्रोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें जब भी हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है। और
ब्लड ट्रांसफ्यूजन को हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करिए, पेशेंट को काउंसलिंग करिए कि वो अच्छी डाइट लें, एरिथ्रोपोइटिन के इंजेक्शन लें, इंजेक्शन ऑफ आयरन लें, जिससे उनका एच बी मेंटेन रहे और हमको ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत ना हो। और जब भी आप ब्लड का फॉर्म फिल करें उसमें सारी डिटेल्स बिल्कुल प्रॉपर लिखें, क्योंकि अलग अलग ब्लड बैंक्स के अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, तो कभी भी हमें कोई चीज़ उनसे छूटनी नहीं चाहिए, वरना वो पेशेंट को परेशानी होती है। और हमेशा हमें ब्लड जब भी स्टार्ट करना है बहुत मिनिमम और स्लो रेट पे स्टार्ट करना है कि हम उसकी कॉम्प्लिकेशन जल्द से जल्द भाप सकें और पेशेंट को कोई भी कॉम्प्लिकेशन के रिस्क से बचा सकें। इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो या क्वेरी हो या कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, तो DCDC की क्लिनिकल टीम आपके लिए हमेशा मौजूद है। आप कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।